सारे लड़कों की कर दो शादी, मोहित को बस कवारा रखना। ये वायरल गाना हर किसी की जुबान पर इन दिनों छाया रहा, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हुआ। लेकिन अफसोस, अब मोहित कवारा नहीं बचा है, क्योंकि सात समंदर पार करके रशिया से वेरोनिका अब मोहित के पीछे पीछे भागकर भारत आई और हमेशा हमेशा के लिए यही की होकर रह गई। वेरोनिका के प्यार का जादू ऐसा चला कि मोहित अब कवारा न बचा। दरअसल मामला है उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का, जहां के रहने वाले मोहित से रशिया की रहने वाली वेरोनिका को प्यार हो गया और 12 फरवरी को दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली। वैसे शादी में देसी ठुमके तो बहुत देखे होंगे, लेकिन इस शादी में देसी गानों पर विदेशी ठुमके भी खूब देखने को मिले। ये दिलचस्प कहानी है रूस की रहने वाली वेरोनिका और प्रतापगढ़ के रहने वाले मोहित की, जो एक दूसरे के साथ काम करते करते प्यार कर बैठे और प्यार शादी तक पहुंच गया। प्रतापगढ़ के शहर के नगर कोतवाली के सियाराम कॉलोनी के रहने वाले बड़े व्यवसायी हैं। दिल्ली में उनके दो बेटे हैं, मोहित सिंह और अनु सिंह। मोहित ने पढ़ाई के बाद बैंगलोर की एक कंपनी में नौकरी शुरू कर दी, जहां उसकी मुलाकात रूस की रहने वाली वेरोनिका से हुई। पहले दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। ऐसा नहीं है कि दोनों को अपने रिश्ते को अंजाम देने के लिए मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा। मोहित की माँ को इस शादी से एतराज था और मोहित ने भी कह दिया था कि अगर माँ नहीं मानी तो शादी नहीं होगी, फिर क्या था। वेरोनिका ने अपने प्यार का जादू मोहित की माँ और अपनी सास पर भी चला दिया और आखिरकार प्यार की जीत हुई। वेरोनिका पूरे परिवार के साथ प्रतापगढ़ पहुंची। 10 फरवरी को हल्दी रस्म और 11 फरवरी को मेहंदी रस्म हुई और 12 फरवरी को हिंदू रीति रिवाज से सात फेरे लेने के बाद दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे के हो गए। मोहित शादी से खासे खुश है। ये मेरे ऑफिस में थी, मतलब ये बाहर की क्लाइंट थी, तो ऐसे ही हमारी ऑफिस में जो बातें होती थी वैसे ही ईमेल पे जो भी ऑफिस के पर्पज़ है, तो बाद में हम बातें करते रहे। फिर उसके बाद एक मेरी होने वाली थी कहीं पे, बट उनसे हुआ नहीं, तो फिर मैंने इनको वैसे ही पूछ लिया था कि शादी के लिए, तो फिर ये पहले तो एग्री नहीं हुई, बाद में ये आई फिर मुझसे मिलने बैंगलोर में। इन्होंने एक डिसीजन लिया कोरोना टाइम में आने का, पता नहीं मैं होता तो मैं कभी नहीं आता ना जाता कहीं पे, तो ये आई फिर, तो जब ये आई तो मैं मिला इनसे। फिर मिलने के बाद फिर मम्मी को बताया कि ये है, मम्मी भी नाराज़ थे, सब नाराज़ थे, तो मम्मी ने फिर मैंने इनको फिर से दोबारा बुलाया मम्मी को कि दोनों लोगों को मिलवाया दिल्ली में। मैंने बोला घर वालों को कि पहले अगर मम्मी मेरी सेटिस्फाइड होंगी तो ही मैं करूँगा, तो मम्मी आई, ये दोनों मिले, दोनों लोगों को सही लगा, मतलब मेरी मम्मी को भी ये पसंद आई, तो फिर मैंने शादी कर ली थी। ये जब आई थी तो मैंने रजिस्टर करा दी थी मैरिज दिल्ली में। और दोनों परिवार के लोग आज इकट्ठे हुए हैं। हाँ, कौन कौन है इनके परिवार से और आपके तरफ? इनकी तरफ मेरे परिवार में तो बहुत सारे लोग हैं, आप देख ही रहे हो यहाँ पे। इनकी मम्मी आई हैं, बुआ आई हैं, चाची आई हैं, इनकी बहन आई हैं, बहन के हस्बैंड आए हैं और बाकी सारे इनके फ्रेंड हैं। एंजॉय हो रहा है? हाँ हाँ हाँ, खुश है आप? मैं तो खुशी हूँ, जो रो रहे होंगे ये लोग, जो कि जिनको काम करना पड़ रहा है, मेरे भाई लोग रो रहे हैं और मैं तो खुशी हूँ। वही वेरोनिका की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है। हालांकि उन्हें हिंदी तो नहीं आती, लेकिन जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि उन्हें मोहित, भारत और भारतीय संस्कृति से कितना प्यार है। I'm very happy here and I like Indian culture. I like to explore new and I'm joy here. Enjoy कर रही हैं आप प्रतापगढ़ में? Yes, yes, a lot. कैसे? हाँ. हाँ. Your family income? Your family is here? Yes, some of my relatives here. Yes. Are you happy? Yes, a lot. तो सुना आपने, वेरोनिका और मोहित कैसे जन्म जन्मांतर के लिए एक दूसरे के होने के बाद खुश नजर आ रहे हैं। वैसे वेरोनिका अब रशियन कहाँ रही, वो तो अब मिसेज मोहित बन चुकी हैं। आपका इस अनोखी शादी पर क्या कहना, जरूर बताइएगा।